हेलो एवरीवन, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे रिपीटिंग इंस्ट्रक्शंस की। और रिपीटिंग इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब होता है या रिपीट का क्या मतलब होता है? सो प्रोग्रामिंग में रिपीट को हम लूप्स का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है कि कोई भी एक चीज़ बार बार चलना। सो उसको बेसिकली स्क्रैच में भी एक बहुत आसान इंग्लिश वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है रिपीट से, जो कि आपको कंट्रोल की कैटेगरी में मिलता है। और रिपीट के तरीके के और भी हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, जिसमें फॉर एवर है और रिपीट अनटिल है। सो इनिशियली हम अभी रिपीट को इस्तेमाल करके देखेंगे कि रिपीट किस तरीके से काम करता है। सो उसके लिए लेट्स से कि हमारे पास एक सिनारियो है, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमें एक प्लेन नोट परफॉर्म करना है, जो कि नोट 60 है, लेकिन वो नोट 60 एक्चुअली 10 टाइम प्ले हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गई 8 एंड 10। सो जैसे कि आपने देखा कि मैंने 10 नोट्स को बहुत आसानी से विद द ब्लॉक्स बहुत जल्दी क्रिएट कर लिया बाय यूजिंग आवर शॉर्टकट डुप्लीकेट। सो लेट्स से कि मेरे पास ये एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है, पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं कि वो कैसा होगा। एक दफ़ा और इस प्रोग्राम को सुनेंगे और हमें फोकस करना है कि कितनी बार एक टून प्ले हो रही है। तो जब हमने 10 ब्लॉक इस्तेमाल किए हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास 10 नो टून्स प्ले होनी चाहिए। वो भले ही सेम है, बट वो 10 टून्स प्ले होनी चाहिए। सो हमें फोकस करना है काउंट पे। सो जब ये आउटपुट रन हो, सो आप काउंट पे फोकस कीजिएगा। राइट, सो मेरे हिसाब से यहाँ पे 10 है, हम काउंट भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑलराइट, सो जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास 10 प्ले नोट के ब्लॉक्स हैं, बट व्हाट इफ कि हमारे पास यहाँ पे 100 प्ले नोट करने की रिक्वायरमेंट होती। सो फॉर श्योर वी आर स्मार्ट इनफ कि हम 100 प्ले नोट्स के ब्लॉक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो देयर मस्ट बी सम शॉर्टकट या देयर मस्ट बी वन एफिशिएंट वे, जिसकी मदद से हम वो सारे प्ले नोट्स को बहुत ही कम ब्लॉक्स में काम कर लेंगे। और इसीलिए हमारे पास जो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है हमारी प्रोग्रामिंग में ब्लॉक, वो है रिपीट का ब्लॉक। सो जो रिपीट का ब्लॉक है, वो बेसिकली हमारा काम क्या करता है कि हमारे अगर कोई भी ब्लॉक्स ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम उसको रिपीट के अंदर लिख देते हैं और हमारा काम इससे बहुत आसान हो जाता है। और इससे होता यह है कि हमें बहुत सारे ब्लॉक्स एक साथ इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, हमारा प्रोग्राम बहुत ही एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो लेट से अगर यही प्लेन नोट 10 दफ़ा प्ले हो रहे हैं और मैं इन 10 ब्लॉक्स इस्तेमाल करूं, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं एक रिपीट का ब्लॉक इस्तेमाल करूं जिसका काउंट होगा 10, और मैं साउंड में जाके दोबारा सिर्फ एक दफ़ा प्ले नोट के ब्लॉक को पुट कर दूं। सो मेरे हिसाब से और स्क्रैच की प्रोग्रामिंग के हिसाब से इसका आउटपुट, ये 10 ब्लॉक्स का आउटपुट और इन 2 ब्लॉक्स का आउटपुट बिल्कुल सेम है। बट हम फिर भी जब इसके आउटपुट देखेंगे, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि प्ले नोट कितनी दफ़ा रन हो रहा है, तो हम इसके काउंट पे फोकस करना है। तो हम दोबारा इन दोनों के आउटपुट देखेंगे। सो जो व्यूअर्स हैं, वो प्लीज़ इनके काउंट पे फोकस कीजिएगा कि कितनी दफ़ा नोट प्ले हुआ। सो सबसे पहले लेफ्ट वाला, राइट, एंड इसी तरीके से अब हम राइट वाला प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। राइट, सो एज वी नोटिस्ड, अगर हमने काउंट पे फोकस किया है बहुत अच्छे से, तो हमें पता है कि लेफ्ट और राइट दोनों प्रोग्राम का जो टोटल नोट प्ले हुआ वो 10 टाइम प्ले हुआ। दैट मीन्स कि दोनों प्रोग्राम बिल्कुल सेम है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 10 ब्लॉक्स, मैं क्यों 10 ब्लॉक इस्तेमाल करूं बजाय उसके कि मैं एक अच्छा सा, एक स्मॉल सा प्रोग्राम लिखूं जिसमें मैं रिपीट ब्लॉक इस्तेमाल करूं और प्ले नोट का ब्लॉक सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करूं। अब मैं जितनी दफ़ा रिपीट का नंबर इसमें देता जाऊंगा, मेरा रिपीट या मेरा प्ले नोट उतना ही दफ़ा प्ले होता जाएगा। अब चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, या चाहे वो 50 हो, जितनी दफ़ा भी मैं चाहूँ, मैं रिपीट का नंबर बढ़ा के या कम करके अपने आउटपुट को रन कर सकता हूँ। एंड वी ऑल्सो फाइंड अ न्यू थिंग कि हमारे पास जो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, फ्लैग और रेड बटन। दिस रेड बटन शोज़ कि आपका जो भी प्रोग्राम चल रहा हो, अगर आपको कहीं रोकना हो,
तो आप उसको रेड बटन को प्रेस कर दें और आपका कोई भी प्रोग्राम जो चल रहा है वो एक्चुअली रुक जाएगा। सो हमारा आज का टारगेट ये था इस वीडियो का कि हमें रिपीट ब्लॉक देखना था कि किस तरीके से रिपीट ब्लॉक इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। सो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रिपीट ब्लॉक होता क्या है और रिपीट ब्लॉक्स को इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदा होता है।